क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। न्यूजीलैंड के खिलाफ विजय शंकर ने जो प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ रहा। तीसरे नंबर पर आकर शंकर ने अपनी दोनों अद्भुत पारियों से सबका दिल जीत लिया। शंकर ने न्यूजीलैंड की टफ पिच पर भी रन बनाकर दिखाए। शंकर के इस प्रदर्शन से मुख्य चयनकर्ता भी काफी संतुष्ट नजर आए। हाल ही में MSK प्रसाद ने मीडिया के सामने कहा भी था कि हो सकता है शंकर को वर्ल्ड कप के 15 सदस्यीय दल में चुना जाए, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया है। मगर MSK प्रसाद की ये बात पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को पूरी तरह खटक गई है। दरअसल दादा को शंकर नहीं बल्कि पंत पसंद है और गांगुली दिल से चाहते हैं कि ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनाया जाए, ना कि शंकर को। दादा का मानना है कि विजय शंकर ने अपनी बल्लेबाजी में सुधार तो किया है, मगर वो अब भी विश्व कप टीम में जाने लायक नहीं है। गांगुली ने कहा, पंत में मैच विनर की क्षमताएं हैं, वो शॉट मारना जानते हैं, मगर शंकर को अभी उतना अनुभव नहीं है। उन्हें T20 मैच ज्यादा से ज्यादा खेलने चाहिए ताकि वो और परिपक्व हो सके। अब दादा की राय पर आप क्या सोचते हैं, विजय शंकर या ऋषभ पंत? दोनों में से वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा कौन बनना चाहिए? आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।